सदा सदा व्यवस्था बनी रहेगी, ठीक है ना। तो उस व्यवस्था के तहत जब आप चलते हैं वो तंत्र है। और नियमों को पहचान लेना, फिर तदनुसार समझ के और फिर जीना, ये तंत्र है। ये आप बहुत बार बोल चुके हैं, सोच रहा हूँ मैं, मेरे मन के जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि आप क्या मानते हैं, देवता क्या है? वही तो अभी हम लोगों ने देवता, आपने पूछा क्या है, देवता को मान रखा, हम लोगों ने देवता को मान रखा जिस पर ऐसे हवा हो रही चीज़ें और अदृश्य देवता है। नहीं नहीं, जैसे कि मेरे चार ऑप्शन है, एक डिवाइन पावर, कोई ऑब्जिकल मतलब कोई सेलेस्टिकल पावर है जो जिसकी ऑब्जेक्टिविटी मन निर्धारित है, जो सूक्ष्म रूप से एनर्जीफुल है, या कोई एक उसका आइडियल है मतलब जो हमारे थॉट है कंडीशन में है, या तीसरा नेचुरल एनर्जी है। मेरे चार ऑप्शन है, मैं आपको वही बता रहा था कि हम लोग अभी समझते हैं जो अदृश्य है वो देवता है, यही ना, अदृश्य है, हमारी मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है तो देवता ही है। देखो देवता तो आप ही हो सकते हैं, आप सबकी मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। यस, सबसे देवता मतलब जो देने की इच्छा रखे है ना, तो जो कुछ देने की इच्छा, देने में क्या देगा देवता, किसे कहा गया देने में क्या देगा, जो उसके पास है, सूरज के पास धूप है, सूरज ठंडे नहीं दे सकता, चंद्रमा देने के लिए उसके पास सिर्फ दो चीज़ है देवता के पास, दया और कृपा, इतना दे देगा। तो तीसरी है करुणा, तो तीन चीज़ें हैं, तीन में देवता क्या देगा, क्या देगा, सिर्फ दया। दया का क्या अर्थ हुआ, आपके पास वस्तुओं की कमी है, ठीक है, उसको पाने में आपका सहयोग कर दे, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, ठीक है, ये काम देवता आपका करेगा। राजसी, जो राजसी काम, जो राजसी छाट बाट कहा गया है, जो सात्विक राजसी और तामसिक कहा गया है, अरे पंखे चला दो, पंखे नीचे डालो, पंखे नीचे। देवता क्या देगा, दया, दया करेगा, लेकिन देवता कृपा नहीं कर सकता, ध्यान रखो, कृपा करेगा गुरु। कृपा क्या है, आप पे जो ज्ञान की कमी है, कृपा का अर्थ है जो ज्ञान की कमी है उसकी कोई पूर्ति करे वो कृपा है, ठीक है। दया वह है वस्तुओं की कमी है, जिसे सुख और समृद्धि आप कहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, कृपा कर सकता है गुरु। देवता भी हम लोग सुनते हैं ना, महापुरुष कहते हैं कि देवता भी जो है मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, मतलब गुरु बनने के लिए तरसते हैं, महागुरु। देवता भी जब आए शरीर धारण करे मनुष्य के शरीर में, फिर लोगों की मदद करे और स्वयं अपनी भी मदद करे, जिससे कि वो पार जा सके, गुरु हो जाएगा, केंद्र बन जाएगा। अभी तो देवता है, अभी गुरु से नीचे है, देवता गुरु से नीचे है, ठीक है। क्यों नीचे है, क्यों नीचे है, इसलिए नीचे है कि वो केंद्र नहीं है, वो परिधि और केंद्र के बीच में है देवता। जो याचक है वो परिधि में है, याचक परिधि में है, और जो देवता है ना परिधि में है ना केंद्र में है, लेकिन गुरु केंद्र में है। गुरु केंद्र के मतलब हुआ, ये होने का मतलब कि वो करुणा कर सकता है, करुणा करने का अधिकार गुरु के पास है। अर्थात करुणा में क्या चीज़ हो गई, करुणा क्या शब्द हुआ,
जहाँ दया और कृपा दोनों उपलब्ध हो, जिसके पास देने की शक्ति हो वो गुरु है, उसे करुणा कहा गया। तो गुरु क्या कर सकता है, आपको इस योग्य बना सकता है कि आप सुखी और समृद्ध भी बने, और सुखी और समृद्ध हो करके आपको ज्ञान भी दे सकता है कि आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। ये काम ये गुरु कर सकते हैं। तो देवता भी तरसते हैं कि हम जो है पूरे हो जाएं, गुरु का मतलब केंद्र हो जाए, पूरे हो जाए। देवता पूरा नहीं है अभी, अभी वो देवता का काम क्या है, आप उसकी पूजा करें, अर्चना करें, खूब धूमधाम हो, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। देवता चाहता है मेरी प्रसिद्धि हो, देवता क्या चाहता है, मेरी प्रसिद्धि हो, जब मैं तुम्हारी मदद करूं तो मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी जय जयकार करो, ठीक, मेरा नाम हो, ऐसा देवता चाहता है। वो देवता चाहे अदृश्य हो और चाहे शरीर में रहता हो, यानी शरीर धारण किया हो, पैदा हुआ हो धरती पर, लाखों देवता हैं धरती पर जो शरीर धारण किए हुए हैं, पैदा हुए हैं, लोग मदद करते हैं, वही तो देवता हुए, और कौन देवता कोई अलग से हो गए, शरीर छोड़ देते हो तो अदृश्य रूप में वही देवता है, वही देवता अदृश्य रूप में भी आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन हैं तो ठीक है, वही देवता है जो अभी पूरे नहीं हो पाए, पूरे होने के क्रम में है, ठीक है। तो देवता जो है महापुरुष कहते हैं वो भी शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं, मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम पूरे हो जाए, क्योंकि शरीर छूट गया तो जीवन अपने को प्रमाणित कैसे करेगा, आत्मा अपने को प्रमाणित कैसे करेगी अगर शरीर छूट गया आदमी का। तो अपने को प्रमाणित करने के लिए बार बार ये जो भूत प्रेत और ये जो सब है लोग कुछ भी नौ पित्त वो शरीरों में आ करके बताना चाहते हैं कि मैं हूँ, ऐसे प्रमाणित नहीं कर सकते अपने हवा में, कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो डिवाइन या देवता है वो अपने एग्जिस्टेंस के प्रूफमेंट के लिए अपना एक जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं या फोर्स। बिल्कुल, देवता एक पार्ट है, देवता एक पार्ट है, याचक से देवता, देवता से गुरु, यानी देव पद और दिव्य पद, पांच पद कहे गए महापुरुषों ने, कहे पांच पद मानव के, पांच पद, पहला कहा पशु मानव, दूसरा कहा राक्षस मानव, तीसरा कहा मानव, चौथा कहा देव मानव, फिर दिव्य मानव। दिव्य मानव मतलब गुरु, यानी देवता जो है आपकी मदद करके प्रसिद्धि भी पाना चाहते हैं, जय जयकार सुनना चाहते हैं, लोकेशन है उनके अंदर। और जो गुरु है जो पूर्ण है जो दिव्य पद है मानव का, वो मदद भी करना चाहता है और जय जयकार भी नहीं सुनना चाहता, उपकार विधि से करता है। गुरु जी आप शिव जी को क्या मानते हैं, शिव जी हमारे भोलेनाथ को आप देवता का मानते हैं, गुरु मानते हैं अपने? देखिए अभी आप पहले इसको और आराम से अध्ययन करो, खूब समय है आपका, है ना, अभी बहुत मजा आएगा। शिव में और भगवान भोलेनाथ में बहुत बड़ा अंतर है, शिव अलग है और भगवान भोलेनाथ अलग है, वो शिव अलग है, वो ये भोलेनाथ अलग है, इसको समझना होगा आराम से समझना, ठीक है। ये भगवान है, ये भगवान है और वो उसे ईश्वर कहा है, बड़ा फर्क है दोनों। भगवान शरीर में होता है, जो शरीर धारण करता है उसे भगवान कहा जाता है, और जो शरीर धारण ही ना कर सके कभी भी वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही परमानंद है। उपनिषद की एक लाइन है गुरु जी, आकाश लिंग मिथ्याहु पृथ्वी तस् पीठिका आलय सर्वभूतानां लग्नात् लिंग मुच्यते। उसमें कहा गया है कि जो हमारा जो सूर्य भगवान जो सूर्य देवता है जब पृथ्वी की पीठिका पर निश्चित होते हैं फिर एक लिंग के समान दिखते हैं, ये वेद का मतलब। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो समस्त ब्रह्मांडों की जो रचना है, एक ब्रह्मांड नहीं, जो समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है वो शिव है, जो एक ब्रह्मांड में है वो भोलेनाथ, जो माँ पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदी के साथ बैठे हो भोलेनाथ, देवता श्रेणी में, देवता नहीं महादेव,